होटल रतन रॉयल में पड़ा छापा। दतिया तहसीलदार नितेश भार्गव अपने स्टाफ के साथ जांच करने होटल रतन रॉयल पहुंचे, जहां उनके साथ सीरिम विभाग, जनपद विभाग, खाद्य विभाग व विद्युत विभाग सभी जांच करने पहुंचे, जहां जांच के दौरान बहुत सारी कमियां पाई गयी। तहसीलदार नितेश भार्गव को जांच के दौरान होटल स्टाफ के रजिस्टर एवं होटल में रुके हुए अन्य गेस्ट की एंट्री रजिस्टर भी नहीं प्राप्त हुई और मैनेजर से इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने कल ही ज्वाइन किया है, सभी दस्तावेज होटल ओनर के पास हैं, जो मौके पर प्राप्त नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ होटल के रेस्टोरेंट में खाद्य अधिकारी द्वारा जांच की गई, जहां खराब मसाले पाए गए जिनमें कीड़े पड़े हुए थे एवं रेस्टोरेंट में अग्निशामक सिलेंडर भी नहीं पाए गए एवं विद्युत अधिकारी द्वारा बताया गया कि हमारे विद्युत विभाग के बिजली का बिल होटल पर 1,52,000 रुपए जो बकाया है, इसलिए हमने होटल का बिजली कनेक्शन काट दिया है। राजस्व विभाग तहसीलदार नितेश भार्गव, सिरिम विभाग से इंस्पेक्टर, जनपद विभाग से सीईओ गिरिराज दुबे, खाद्य विभाग अधिकारी दिनेश नीम, विद्युत अधिकारी अभिषेक मिश्रा, संदीप अग्रवाल, केसी यादव एवं सभी विभाग के अधिकारी साथ हैं। जब मीडिया ने तहसीलदार नितेश भार्गव से मामले की जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते अभी यहां से काफी शिकायतें भी मिली थी कि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहीं कई विभाग भी वसूली भी शेष रह गई थी, उसके मध्य एक संयुक्त कार्यवाही विद्युत विभाग, श्रम विभाग, जनपद सीईओ प्रशासन के द्वारा की गई है। आज यहां पर तहसीलदार दतिया, श्रम अधिकारी दतिया, विद्युत विभाग के अधिकारी और सीईओ जनपद पंचायत और मैं खास सुरक्षा अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा रेस्टोरेंट की किचन को चेक किया गया, यहाँ पर कुछ मसाले रखे हुए पाए गए हैं और इन मसालों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच हेतु इन्हें भोपाल भेजा जाएगा, जांच के उपरांत इसकी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या नाम है सर, नाम क्या है सर आपका? दिनेश निम। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते अभी यहाँ से काफी शिकायतें मिल रही थी कि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कोरोना के जो प्रोटोकॉल उनका पालन नहीं हो रहा है, तो कई विभागों की वसूली भी शेष रह गई थी इस होटल के ऊपर। उसके मद्देनजर एक संयुक्त कार्रवाई विद्युत विभाग, श्रम विभाग, जनपद सीईओ प्रशासन के द्वारा की गई, तो ये सब चीज़ें उसमें देखी गई कि उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ मिला नहीं यहाँ पर उनके पास, उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। जो उनके यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं तो जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, उनकी डिटेल रखना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, उनके पास मैं गेस्ट का रजिस्टर ही मेंटेन नहीं है। विद्युत विभाग की काफ़ी वसूली यहाँ पर मिली यहाँ पर। सर कितनी वसूली थी विद्युत विभाग? 1,52,000 रुपये वसूली विद्युत विभाग की थी जी। इसके अलावा एम्प्लॉयज यहाँ पे 2-3 हैं, उन सबकी डिटेल भी श्रम विभाग के द्वारा ली गई है, तो पर्याप्त संख्या में यहाँ पर स्टाफ भी नहीं है क्योंकि अभी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा फायर की भी, प्रिवेंशन की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली है, खुदाना खासा अग्नि दुर्घटना हो जाती है तो उससे बचाव के लिए आवश्यक होती है। सर खाद्य विभाग की जानकारी ली गई है तो उसमें कुछ मिला है क्या? खाद्य विभाग अभी तो अंदर देखा कि किचन अभी तो बंद है, लेकिन कुछ पुराना माल रखा हुआ था तो उसके सैंपल भी लिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराना जो 5-6 महीने पुराना सामान है उसको आगे खपा दिया जाए, तो उसके सैंपल लेकर उसकी जाँच की। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट पे यहाँ काम करता हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने होटल को ज्वाइन किया है और उपरोक्त दस्तावेज जो विभाग द्वारा मांगे गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से होटल बंद था तो सारे दस्तावेज ओनर के घर पर ही शायद होंगे और उनको शीघ्र ही आपके विभाग द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनको हम उपलब्ध कराएंगे और जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं होटल के लिए कोविड में वो हम उनको प्रॉपर फॉलो करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।